राज में कटोरा आया हाथ में, मोदी तेरे राज में कटोरा आया हाथ में, अरे मोदी तेरा खेल सस्ती दारू महंगा तेल। महंगाई के ऊपर जो समाजवादी पार्टी ने जो धरना दिया है, तो क्या डिमांड है आपकी और क्या परेशानियां हो रही है महंगाई सरकार? हमारी सरकार से बहुत ही जैसे कि अभी मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगी कि आज जो महिला है, हाँ, महिला इतनी परेशान हो चुकी है कि वो घर चलाए तो कैसे चलाए, किसकी वजह से? सरकार की वजह से, क्योंकि उन्होंने उन्हें पहले इतना अच्छा आश्वासन दिया, इतनी अच्छी बातें कही कि भाई आपको फ्री में गैस दिए गए, बराबर है। गैस देने के बाद में सबको तसल्ली मिल गई, सबको लगा अरे बाप रे हमें फ्री में सब मिल रहा है, अच्छे दिन आ रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने क्या किया है कि भाई 930 का गैस सिलेंडर होगा। उस टाइम पब्लिक का ऐसा हाल हुआ है जैसा कोई उनका बच्चा मर गया। उन्होंने छाती पीट पीट के सरकार को ऐसी बद्दुआएं दी है कि इन्होंने हमारे साथ जो किया है छल कपट किया है, अच्छा काम नहीं किया है। तो हमारी सरकार से बहुत ही मतलब उनके बारे में जितना गलत कहूँ या सही कहूँ ये बोलने के मेरा वो नहीं है, लेकिन एक ही बोलना है कि उन्होंने जो भी किया गलत किया है। और एक बात ये भी कहनी है कि भाई आज इतनी महंगाई हो चुकी है, दालें इतनी महंगी हैं, भाजियाँ सब्जियाँ इतनी महंगी हैं, तेल इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है। आज बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे दर बदर काम के लिए भटक रहे हैं, बेरोजगार बच्चे भटक रहे हैं। किसान खेती कर रहा है, उसे उसका जो मुआवजा मिलना चाहिए खेती का वो नहीं मिल रहा है। वो सोच रहे हैं जाने दो हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे कुछ ना कुछ कहीं नौकरियां करेंगे, आज कहीं उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। बेचारा किसान बोलो या कोई दूसरे लोग बोलो जो गरीब लोग हैं, कहीं ना कहीं से अपने बच्चों को पेट्रोल पानी के लिए पैसे दे रहे हैं, वो दिन भर घूमते रहते हैं, कहीं उनको काम धंधा नहीं मिल रहा है। पेट्रोल देखे तो उसके दाम बाप रे आसमान छू रहे। करना है तो क्या करना है? आज डॉक्टर बोलते हैं कि भाई तुम हरी भाजियां खाओ, बोल रहे हैं ना डॉक्टर, हरी सब्जी खाओ, तुम मटकी भिगा के खाओ। अरे बाबा उसके रेट तो देखो, 15 से 20 रुपए की अगर एक मेथी की गड्डी है, घर में माँ है, बाप है, बहन है, बच्चे है, बीवी है, एक ही बंदा कमाने वाला है, कहाँ से खाएंगे? उसके अंदर तुम्हारे को कोथम्बे, तुम्हारे को उसके अंदर शेंगदाने डालने, तुम्हारे को उसमें दूसरी दाल डालनी है, तेल डालना है। आपको लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी स्किल इंडिया की तरफ लेके जा रहे भारत को? क्या बोले आपने, क्या सवाल है आपका? आपको नहीं लगता क्या कि नरेंद्र मोदी स्किल इंडिया डेवलपमेंट की तरफ भारत को लेके जा रहे हैं? आपको नहीं लगता क्या? नहीं लगता, ये देखो बोलने से कुछ नहीं लगता, मैं भी बोलूंगी हाँ सब सही है, ऐसा है वैसा है, लेकिन जो दिख रहा है, जो हकीकत है, उसके बारे में बात करेंगे ना अपन। वो कहीं भी देश को ले जाओ, कहीं भी कुछ भी कर लो, वो बोलने का मतलब नहीं हमारा। आज हमारी जो स्थिति है हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आज एक बंदा घर में कमाने वाला है, 8 लोग खाने वाले, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से जिएंगे, कैसे जिएंगे? आज हमारी सरकार से भी यही है सवाल कि भाई पब्लिक जिए तो कैसा जिए? आपने इतना महंगा हर चीज कर दिए है, कैसा जीना पब्लिक ने? मरे तो वो मर भी नहीं सकते, क्यों क्यों नहीं मर सकते पता है? अगर वो मर गए तो लोग बोलेंगे अरे इनका कुछ तो भी दूसरा लोचा था, कुछ लफड़ा था, इसलिए ये मर गए, वो भूख से मर गए, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला है। तो हमें सरकार से एक ही कहना है कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि हमारी ये जो जनता है गरीबी से मर रही है, जिनके बुरे हाल है उनका ख्याल कीजिए, महंगाई कम कर दीजिए, ठीक है ना? ऐसा बोलना चाहती हूँ मैं। और नहीं, और एक बात ये है कि हमारी जो भी परिस्थिति है उसकी जिम्मेदार सरकारी है। मेरा नाम प्रीति दुबे है, मैं समाजवादी पार्टी की महिला के शहर अध्यक्ष हूँ। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ में कलेक्टर ऑफिस के सामने एक धरना प्रदर्शन किया गया। ये धरना प्रदर्शन हमने ये सोच के किया कि आज सभी पार्टियां इलेक्शन को सामने रखते हुए जात पात के मुद्दे उठा रही है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने के जरिए बना रही है। तो समाजवादी पार्टी ने ये सोचा कि क्यों ना गरीब और जो गरीब एकदम इसके नीचे चले गया है, दलिंदर रेशा जो रहती है उसके भी नीचे चले गया, ब्लो पावर्टी लाइन के भी नीचे चले गया, उसका आवाज़ उठाया जाए। और उसकी आवाज़ ये है कि आज महंगाई दर जो बढ़ चुकी है, 2014 में अगर आप देखेंगे, 2014 और 2021 आज ख़त्म होते आ रहा, ये दोनों का अगर कंपैरिजन आप देखेंगे तो 2014 में सीमेंट की एक गोनी 155 रुपये में आती थी, आज सीमेंट की गोनी 410 रुपये में हो गई, रेती की एक ट्रॉली
1500 रुपये में एक ब्रास रेती आती थी, आज 6000 रुपये में रेती की एक ट्रॉली आ रही है। डिश का जो कनेक्शन होता था 110 रुपये में हम रिचार्ज करते थे डिश का, आज डिश रिचार्ज 450 रुपये का हो गया। उसके साथ ही आप अगर देखेंगे तो मोबाइल कनेक्शन, आज सभी के हाथ में देखिए आप मोबाइल है, मगर मोबाइल कनेक्शन इनकमिंग 2014 में फ्री थी, आज ये नरेंद्र मोदी ने और ये अंबानी ने कहाँ लाके खड़े कर दिया। 100 रुपये का प्रति महीना, महीना भी नहीं होता है वो, 28 दिन गिने जाते सिर्फ, वो 28 दिन के 100 रुपये लिए जा रहे हैं। 99 रुपये का रिचार्ज आपको करना है तो आपकी इनकमिंग चालू होंगी, कहाँ गया वो लाइफ टाइम प्लान। ये सब मेक इन इंडिया और विश्व गुरु बनने के सपने जो है तो वो सिर्फ सपने ही रह गए, और नींद जैसी खुली तो बीजेपी सरकार ने जो अमीर था उसको गरीब बना दिया, और जो गरीब था उसको बिलो पॉवर्टी लाइन के भी नीचे एकदम गरीब बना दिया, उसको मांगने पे मजबूर कर दिया। आज मैं आप पत्रकार बंधुओं के जरिए जनता के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ कि अगर वो स्मृति ईरानी 2014 में चीख चीख के बोल सकती थी, वो राजनाथ सिंह बीजेपी के नेता वो चीख चीख के बोल सकते थे, शाहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता वो चीख चीख के बोल सकते थे, तो आज वो कहाँ नींद की, वो गुमनामी की नींद सो चुके। उनकी नींद हुशार करने के लिए, उनको नींद से जगाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा? इसके लिए नहीं आ रहा है ताकि बीजेपी सरकार ने हिंदू मुसलमान और दलित इन सबको आपस में लड़ा दिया, इसी के लिए नहीं आ रहा है। आज होना ये चाहिए था कि मुसलमान हिंदू दलित भारत को बनाए, हिंदुस्तान को बनाए, और हिंदुस्तान जब जिंदा होगा तो गरीबी रेखा ये कभी नहीं होंगी, सभी एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। आज हमने सरकार से ये सवाल किया कि आप महंगाई दर कम करिए, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल, सिर्फ पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं हुआ, सभी चीज़ें महंगी हो चुकी है, और जीने के साधन आज कम होते जा रहे। हम पहले 2000-3000 में घर चला लेते थे, आज 10000 रुपया कम पड़ रहा। तो हमारी सरकार से मांग यही है समाजवादी पार्टी की कि आम जनता का ख्याल करिए और गरीबी रेखा जो आज बहुत बढ़ चुकी है उसको कम करिए। आपका नाम? मैं फैसल खान, समाजवादी पार्टी शहर अध्यक्ष। बाद महानगर की ओर से जिलाधिकारी साहब को एक निवेदन दिया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की जो नीतियां चल रही हैं कि गोर गरीब परेशान हैं इनके राज में, और कॉरपोरेट सेक्टर के जो लोग हैं वो मज़े में हैं। आज अगर हम गौर करेंगे पिछले कुछ सालों में, हम जाते हैं सन 2014 में, तो जो पेट्रोल की कीमत 65 रुपये थी आज वो 111 रुपये हो चुकी है, जो डीजल 40 रुपये 45 रुपये में होता था आज वो 100 रुपये पे पार होने जा रहा है, जो दालें 50-60 के रेट में थी आज 115-120 के भाव में चल रही है, जो तेल 80 रुपये लीटर मिलता था आज वो 150 के पार हुआ है, जो शक्कर रोज़मर्रा में जो खाने में इस्तेमाल होती है 20-25 रुपये किलो थी, आज वो 40-45 रुपये के पार हो चुकी है। तो कैसे एक आम आदमी सर्वाइव कर सकता है, इसको लेकर आज समाजवादी पार्टी ने ये डिमांड की है सरकार से जल्द इन बढ़े हुए कीमतों को कंट्रोल में लाकर गौर गरीबों को इंसाफ मिले, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला 60-70% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारता है, मिडिल क्लास लोग हैं, और ये जो यहाँ का जो संविधान है, यहाँ की जो डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी में साफ तौर पर लिखा गया है कि गौर गरीब पर दलित अन्याय पीड़ित लोगों के साथ इंसाफ किया जाएगा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो घटना लिखी थी वो घटना में ख़ास तौर पर ये लोगों के ऊपर तरजीह देने का किसी भी सरकार को, किसी भी हुकूमत को कहा गया है, लेकिन ये लोग बार बार घटना का उल्लंघन कर रहे हैं। आज इस तरीके के हालत देश में बने हुए हैं, लोग आए दिन खुदकशी कर रहे हैं। ये तो ठीक बात है, खाने पीने के जो कीमतें बढ़ी है उससे भी हटकर अगर देखेंगे आप अस्पताल के कितने रेट्स बढ़ चुके हैं, कहाँ से एक आम आदमी अपना इलाज कराएगा, कहाँ से उसके घर के लोग उसके लिए इलाज करेंगे, वो अपना सर्वाइव करेंगे या ट्रीटमेंट करेंगे। आज हर जगह पर ये सरकार ने कीमतें बढ़ाई है, हम ऐसी सरकार का तीव्र शब्दों में निषेध करते हैं और ये मांग करते हैं कि ये बढ़ी हुई कीमतों को जल्द से जल्द कम की जाए और यहाँ के हिंदुस्तान के तमाम उन लोगों को न्याय दिलाए जो न्याय की प्रतीक्षा में खड़े हैं। सर आज शहर में राशन नहीं, इससे पहले राशन पार्टी मोदी तेरे राज में, कटोरा आया हाथ में, मोदी तेरे राज में, कटोरा आया हाथ में, वारे मोदी तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल, वारे मोदी
तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल, वारे मोदी तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अरे बोल फैसल हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, अरे बोल अय्यूब हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, अरे बोल मुन्ना हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, अरे बोल मेरी बहना हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, अरे बोल सलमान हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, घर पे हल्ला बोल।